अभी जो डेंजर जोन में 5 सीटें आ रही हैं वो यही है, उसमें हिसार है, सिरसा है आगे, और कौन सा था, रोहतक है, रोहतक है, सोनीपत है। भिवानी में क्या देख रहे हो? भिवानी में मुझे धर्मवीर सिंह बहुत ज्यादा कमजोर नजर नहीं आ रहे जी। और फरीदाबाद में, फरीदाबाद में अगर कांग्रेस कोई अच्छा प्रभावी गुजर कैंडिडेट ले आई, जैसे है विजय प्रताप सिंह के आने की संभावना महेंद्र प्रताप के बेटे की, तो बहुत अच्छी टक्कर देगा जी। तो राव इंद्रजीत को क्या कैसा लग रहा है? राव इंद्रजीत अपनी सीट शायद निकाल लें, लेकिन यहाँ जैसे पिछली बार कैप्टन अजय यादव को 90,000 मुसलमानों में वोट मिल गए थे इलाके से, इस बार वो लीड बढ़ेगी नहीं जुनू इलाके से भी, यदि वहां कोई मजबूत कैंडिडेट आ जाए, राव आ जाए कोई, तो मुकाबला नहीं हो सकता वहां पर? राज बब्बर आता तो क्या है, ये हरियाणा में जैसे खट्टर साहब को बदला गया है, इसका क्या लगता है कि इफेक्ट पड़ेगा या बीजेपी को ये उल्टा पड़ जाएगा? अब लोगों को ही ये पता चल गया कि एंटी इनकमेंसी बहुत ज्यादा है, पहले इंटरनल रिपोर्ट सर्वे रिपोर्ट में ये आया होगा या बहुत ही ज्यादा गलत रिपोर्ट आएगी तभी बदला गया होगा, कहीं अब लोगों के लिए और महंगा साबित होगा ये बदलना। लेकिन बहुत ही गलत निर्णय है, जब मनोहर जी बने थे बार बार ये कोशिश हुई उनकी सरकार को डिस्टेबलाइज करने की, उन्हीं के नेतृत्व द्वारा, अमित शाह नहीं चाहते थे कंटिन्यू करें, 2016 के दंगों के बाद तो वो कतई मन बना चुके थे, लेकिन वो नरेंद्र मोदी की कृपा उनकी मित्रता के सहारे चल रहे थे। अब जब के ये लिया मोदी जी ने निर्णय, तो दो ही चीजें हैं, या तो आप इसलिए हटा रहे हो कि बंदा प्रभावी नहीं है, निकम्मा है, या वो आपके विश्वास पे खरा नहीं उतर रहा, तो अपना उन्होंने मित्रता का लिहाज किया ना कुछ ये किया, जनता में साफ मैसेज गया है कि 9.5 साल से जो व्यक्ति आपकी लीडरशिप कर रहा है आप उसको ऐसे मौके बढ़ा रहे हो, तो इसके राजनीतिक संदेश साफ है, आप तो या तो ये मानते हो कि चीफ मिनिस्टर हमारा अलोकप्रिय है, इसकी कोई लोकप्रियता नहीं है, और इसके नेतृत्व में अगर चुनाव होंगे तो हमारा भट्ठा बैठ जाएगा, इसलिए हटाओ जी। या आप ये मानते हो कि ये बिल्कुल निकम्मा है, इसने कुछ काम ही नहीं किया है, लेकिन इस दौर में आके, इस बिंदु पे आके उनको हटाने का कोई सेंस, उसका लाभ मुझे नजर नहीं आ रहा, और इनके विकल्प के रूप में आप जिस व्यक्ति को लाए हो उसके पास व्यक्तित्व भी नहीं है अपना, लेकिन हो क्या रहा है क्रमवीर जी, बदलते वक्त के साथ में सब चीजें बदल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने एक काम ये करा कि स्थापित नेता उनसे शक्तियां छीन ली पूरी, चाहे वो वसुंधरा की छीनी हो, चाहे शिवराज की हो, रमन सिंह की हो, या यहाँ भी बहुत सारे नेता ऐसे जो शिकार हो रहे हैं, और वो जो कांग्रेस से आए हुए लोग हैं उनको भी उनके प्रभाव को शून्य कर देते हैं जी। पहले प्रयोग करते हैं फिर उसको धीरे धीरे खत्म करके साइड में बिठा देते हैं। बिल्कुल, अभी भी एक मैं कहीं पढ़ रहा था कि 60% सीटें राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के लोगों को दी है, 60% सीटें तो 50% ज्यादा होगी जी हाँ। और उसमें ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि अगर कोई आंकड़ा 200-225 तक रह गया भाजपा का, तो ये जो कांग्रेसी मूल के लोग हैं ये कुछ बदमाशी कर सकते हैं, ये कोई नई पार्टी खड़ी थी इसकी ये चर्चा हो रही है मीडिया में जी, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हमारी चर्चा को लेकर सियासी लिहाज में बड़ी चर्चाएं हैं जी, कभी वो ये लग रहा है कि उन्होंने बाढ़ के लिए आकर दी है, कभी कह रहे हैं सिरसा के लिए आकर दी, उनके लिए क्या सुटेबल लगता है? सिरसा उनके दलवीर सिंह जी वहां उनके पिताजी 4 बार एमपी रहे और बड़ा दबदबा उनका उस इलाके में रहता है, बड़ा रसूख था, क्यों इतनी सेफ सीट ढूंढ रही है कुमारी सैलजा? अम्बाला ही खतरा होगा 9.5 साल में, ईमानदार मुख्यमंत्री है जी, कोई बहुत लंबे चौड़े उन पर आरोप लगे भी नहीं इस तरह के, तो उनकी व्यक्तिगत ईमानदारी पर किसी को संदेह नहीं है, लेकिन वो एक भ्रष्ट सरकार का नेतृत्व करते रहे 10 साल, इस आरोप से तो मुक्त नहीं हो सकते। बिल्कुल, तो अगर आपके नेतृत्व में भ्रष्टाचार को संरक्षण मिल रहा है और दुनिया भर की चीजें हो रही है, आपके जो परीक्षा कराने वाले आयोग है उनके यहाँ से भी पैसा बर्बाद बरामद हो रहा है, तो आप किस आधार पर कह सकते हैं? तो भारतीय जनता पार्टी 10 साल में पूरी तरह इस मामले में एक्सपोज होगी, और अब उसे कोई नैतिक अधिकार ये कहने का है नहीं। रोहतक और सोनीपत की जो हार हुई है 2019 की, उसके बाद से पूरे एक जो इनका वोट बैंक है दोनों सीटों पर जो आधार था वहां एक जागरूकता है खास किस्म की, और लोग अतिरिक्त सतर्क हैं कि अब इस बार हम नहीं होने देंगे, और जो वोट कटवा पार्टी का जो आपने उल्लेख किया अगर वो भी कुछ करना चाहेंगे तो उस डेंट को भी वो नहीं लगने देंगे, क्योंकि करमवीर जी रोहतक और सोनीपत नुकसान साथ है, क्या पोजिशन रहेंगे? क्योंकि बीच में चर्चाएं हैं कि एक तरफ तो बीजेपी के लिए मोदी की गारंटी, दूसरी तरफ उसने सारे प्रत्याशी वो उतार दिए जो पहले कांग्रेस के रहे हैं, कि वो कुरुक्षेत्र से भी कांग्रेस के नरेंद्र को लेके आई है, यहाँ रणजीत चौटाला को ले आई, राव इंद्रजीत हैं, धर्मवीर हैं, ये सारे तो कांग्रेसी हैं, तो वो मोदी की गारंटी है, लोगों के बीच में ये बड़ी चर्चा है। देखिए जहां तक मोदी की गारंटी का सवाल है, मोदी की गारंटी उनको ये लगती होगी शायद मेरी गारंटी को लोग मान रहे, लेकिन वो डाउटफुल हो गई,
मोदी की गारंटी पर लोग भरोसा नहीं करते, इतनी सारी गारंटी आई है और वो उसमें फेल हुए, उनको पूरा नहीं कर पाए। तो कम से कम हरियाणा में तो मैं मानता हूँ हरियाणा का आदमी इतना जागरूक है कि इन गारंटी पे बहुत भरोसा नहीं कर रहा। और मोदी की जो लोकप्रियता 2014 में थी या पुलवामा के कारण 2019 में, आज उसमें अच्छा खासा डिक्लाइन है जी। तो केवल मोदी के आधार पर वो चुनाव जीतने की योजना बना रहे तो पर्याप्त नहीं है। और अगर कुछ है भी तो यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट की एंटी इनकम्बेंसी है, खट्टर साहब के नेतृत्व में आई है, वो उस पर और भी ज्यादा डेंट लगा रही है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी नो डाउट ताकतवर है, बाइपोलर इलेक्शन में उसकी अपनी एक अस्तित्व भी है, उसकी पहचान भी है, लेकिन आज की तारीख में मैं ये नहीं कह सकता या मैं भाजपा को उस प्रचार में नहीं बह सकता कि अब हमारी आंधी चल रही है और 400 पार करने का जो जुनून है वो हरियाणा में भी उतना बरकरार है और हम यहाँ 10 की 10 सीटें जीत लेंगे। ये सब माहौल बनाने के लिए चीज होती है। और दूसरे 2016 के दंगों के बाद हरियाणा में जो सामाजिक सद्भाव में कमी आई है उसको फिर से बनाने का नेतृत्व भी जाट समुदाय कर रहा है। जाट समुदाय ही ये कहता है कि छत्तीस बिरादरी का भाईचारा है, उसने आगे बढ़ के अपनी संख्या की दृष्टि से ज्यादा होने के जो दायित्व है उसको बढ़ा के आगे किया है और समाज के विभिन्न हिस्सों को जोड़ना चाह रहा है। उधर भाजपा की राजनीति सबके खिलाफ है। मैं तो ये देखता हूँ कि सोशल डायनेमिक्स जो है हरियाणा के बहुत रोचक फेज में है, चिंताजनक भी है जी। लेकिन यह समाज की विवेक पर सवाल उठते हैं कि अब ऐसी स्थिति जो क्रिएट कर दी गई राजनीति ने, हमें अलग अलग खेमों में खड़ा कर दिया, उसमें से हमारा समाज कैसे बाहर निकल। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त धर्मपाल। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सतीश सैनी जी। हरियाणा की राजनीति में बात करेंगे, पूरे हरियाणा की राजनीति दोस्तों अपना क्या रहने वाला है। डॉक्टर साहब नमस्कार जी। नमस्कार डॉक्टर साहब, ये एक वीरेंद्र सिंह का बयान बड़ा वायरल हो रहा है और उन्होंने कहा है कि जेजेपी तो बीजेपी की बी टीम नहीं बल्कि रिजर्व प्लेयर है और वो अपने प्रत्याशियों की घोषणा भी मतलब बीजेपी के कहने से करेगी, बीजेपी जिस जिसको कहेगी इसको यहाँ एंटर कर दो, ऐसे होगी क्या? मतलब ये वीरेंद्र सिंह ने इस तरह की बात कही, कितना दम में लगता है? देखिए पुख्ता तौर पर तो हम कुछ नहीं कह सकते कि क्या हुआ बीच में, राजनीति में केवल आप अनुमान लगाते हैं कि ऐसा रहा होगा जी। चूंकि जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन रहा है और उसके टूटने की बहुत लंबी चौड़ी कोई खास वजह थी नहीं सिवाय इस लोकसभा सीट के बंटवारे को लेके, तब से न केवल वीरेंद्र सिंह बल्कि सोशल मीडिया पे भी और जगह भी ये कहा जा रहा था कि दुष्यंत चौटाला जो अलग हुए हैं वो एक समझौते के तहत हुए हैं, यानी समझौता तोड़ने का भी समझौता हुआ है, भूपेंद्र सिंह की भाषा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की। तो एक संदिग्ध छवि तो जरूर बन गई है, सच तो दुष्यंत जाने या भारतीय जनता पार्टी जाने, लेकिन राजनीति चूंकि परसेप्शन पे होती है उसमें जनता के बीच में ये जरूर मैसेज गया है कि दुष्यंत चौटाला भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहे हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह चूंकि बहुत वोकल है, मुखर होके बात कहते हैं और उनकी एक राइवलरी भी है बीजेपी से और दोनों परिवारों के बीच प्रतिद्वंदता है, बिल्कुल उचाना वगैरह को लेके संबंधों में उतना मधुरता नहीं है, उससे कटुतापूर्ण है जी। और दुष्यंत भी उनके बारे में बहुत कुछ कहा है। तो उन्होंने ये जो कहा है कि जेजेपी की सीटों का ऐलान बीजेपी करेगी जी, हमें सिर्फ ये देखना कि क्या लोग इस बात को मानेंगे, इस चीज को। तो ऐसा मानने वालों की संख्या सच में बहुत ज्यादा है, जब ये मान के चल रहे कि कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला क्योंकि भाजपा के प्रभाव में है तो वो तय करेंगे। ठीक है, वो क्या है कि दो ही प्लेयर है, इलेक्शन बाई बोल रहे हैं, INLD और JJP दोनों एक दौर में बहुत बड़ी पार्टी रही है और INLD तो खैर बड़े अपने आप में रूट भी रही है। तो ये दोनों पार्टियां कभी भी आप लोगों से बात करें तो वो कहेंगे कितनी रहेंगी बीजेपी कितनी कांग्रेस की, कोई 8-2 कोई 3-7 इस तरह की बातें करता है। JJP और INLD के हिस्से में कोई सीट नहीं रही है। तो आम आदमी ये मानता है कि ये दोनों नॉन सीरियस प्लेयर हैं, इनको वोट कटवा के रूप में लोगों ने मान लिया, वोट कटवा के रूप में मान लिया। ये किसी एक की हार का कारण बने या किसी एक की जीत का कारण बने, अपने लिए अपने दम पे ये कोई सीट निकालना चाह रहे हो ऐसी संभावना है नहीं। तो ऐसे में वीरेंद्र सिंह ने जो कहा है वो राजनीतिक रूप से उनका बयान ठीक है और अगर लोग इस चीज को मान गए कि वीरेंद्र सिंह ठीक कह रहे हैं तो जसपा का कोई लंबा मतलब नुकसान तो पहले हो ही गया था तो उसमें और थोड़ा बहुत जुड़ जाएगा जी। लेकिन ये दोनों पार्टियां अगर हम राजनीति के हिसाब से देखें तो जहां जहां भी होंगी ये वोट तो काटेंगे जी। और वीरेंद्र सिंह का जैसे बेटा ब्रजेंद्र सिंह जी कांग्रेस में आ चुका है, अब सोनीपत से वो आने की चर्चाएं हैं कि वो सोनीपत से आएगा, लेकिन वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि हमारी प्राथमिकता हिसार में है,
यदि वो हिसार में आता है तो वहां चौटाला परिवार के 3 सदस्यों की आने की संभावना। रणजीत चौटाला आ चुके हैं, इनेलो से सुनैना चौटाला, नैना चौटाला की बात कर रहे हैं जेजेपी से। चौथा यदि ब्रजेंद्र सिंह आता है, किस तरह का मुकाबला आप फिर देख रहे हो आप इसमें? देखिए, अगर ब्रजेंद्र सिंह हिसार से लड़ते हैं तो उनकी एक ताकत तो ये है कि वो निवर्तमान सांसद हैं हिसार से जी, यही है, चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं। और फिर कई परिवारों का गढ़ हो गया हिसार, चौधरी भजनलाल के परिवार का भी गढ़ है, चौटाला परिवार का भी उसमें दखल है और वीरेंद्र सिंह की भी अपनी से है। तो मुझे, मेरी समझ ये लग रही कि शायद हिसार से उनको चुनाव ना लड़ाए और सोनीपत दे दें। खैर कुछ भी हो सकता है, अगर सोनीपत से देंगे या हिसार से देंगे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हुड्डा अपने इलाके में दूसरे नेता को एंट्री नहीं करने देगा। देखिए, अब हुड्डा साहब की सारी बातें मानी जाएंगी या शिखर नेतृत्व मानेगा, ऐसा है नहीं। अभी आपने राजकुमार सैनी के एपिसोड में देखा होगा कि उनको बाईपास करके वो सीधे राहुल गांधी और खड़गे जी से मिले। क्या बाईपास किया? क्योंकि उधर से राजकुमार सैनी ने कहा कि जेपी ने मेरी मुलाकात करा। अभी देखिए, तब तक हम इस पर शक करेंगे जब तक भूपेंद्र हुड्डा खुद नहीं कह देंगे, वो ये कह रहे हैं कि नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं है जी। यानी कि राजकुमार सैनी की बातों पर अभी भी संशय है। इसलिए है कि अंदर हुड्डा साहब कहें, उन्होंने कहा हमारी 6-7 मीटिंग हुई है, दीपक बावरिया से हम लोग मिले हैं। लेकिन मेरी अपनी समझ यह है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विश्वास में लिए बिना कांग्रेस हाईकमान इतना बड़ा कदम नहीं उठाता जी। तो हो सकता है एक अंडरस्टैंडिंग चूंकि पर्दे के पीछे बहुत कुछ होता है कि आप उस दिन दिल्ली बताइए का कार्यक्रम में मत रहना और हम इस तरीके से पेश करेंगे कि ओबीसी वोट बैंक को बढ़ाने के लिए हमने ये सारी चीजें की हैं। तो इस तरह की स्थिति है। हुड्डा साहब जहां तक सोनीपत में किसी और परिवार की एंट्री नहीं होने देंगे तो अब वो दौर चला गया जी। अगर हाईकमान चाहेगा तो नाम तो यहाँ कुछ और भी चल रहे हैं उस तरीके के, लेकिन ब्रजेंद्र सिंह को कहीं ना कहीं तो एडजस्ट किया जाएगा जी, तो मिलेगी ये तय है। और उनका एक अपना जैसा भी एक प्रभाव है पूरे प्रदेश, उनका जो उच्चारण है वो तो हिसार पार्लियामेंट्री में। क्या वो सोनीपत में मजबूत प्रत्याशी रहेंगे? अब ये तो चुनाव परिणाम बताएंगे, लेकिन अगर कांग्रेस पूरी ईमानदारी से उनके लिए लड़ाई लड़ती है और इलेक्शन बायपोलर होगा तो उस स्थिति में तो संभावना तो बहुत संभावना है ना। चूंकि देखिए, जाट बहुल सीट है, जाट प्रत्याशी ग्रुप में आएंगे और वीरेंद्र सिंह का बेटा है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। अगर वो, मैं अगर इसलिए लगा रहा हूँ कि मैं नेता उसे मानता हूँ जिसमें वोट ट्रांसफर कराने की क्षमता हो, हालांकि खुद हुड्डा साहब वहां से हारे हैं जी। लेकिन रोहतक और सोनीपत की जो हार हुई है 2019 की, उसके बाद से पूरे एक जो इनका वोट बैंक है दोनों सीटों पर जो आधार था, वहां एक जागरूकता है खास किस्म की और लोग अतिरिक्त सतर्क हैं कि अब इस बार हम नहीं होने देंगे। और जो वोट कटवा पार्टी का जो आपने उल्लेख किया, अगर वो भी कुछ करना चाहेंगे तो उस डेंट को भी वो नहीं लगने देंगे, क्योंकि करमवीर जी रोहतक और सोनीपत पुराने रोहतक में यही एक सीट है, सारा का सारा जाट पॉलिटिक्स का एक केंद्रीय है और एक बागड़ी बेल्ट में आपका हिसार हो गया। हो क्या रहा है कि रोहतक और सोनीपत से तो वो राजनीति शिफ्ट हो गई हिसार में, चाहे भिवानी महेंद्रगढ़ हो तो वहां भाजपा जाट प्रत्याशी देती और हिसार में भी ये देगा। लेकिन रोहतक की दोनों सीटें, रोहतक पुराने रोहतक की, ये उन्होंने एक तरीके से ब्राह्मण समाज के सामने दे दी है। तो जो जाट समुदाय है वो बहुत ढंग से इस पर विश्लेषण कर रहा है, विचार कर रहा है कि हमारी राजनीति को देशपाली बेल्ट से पूरी तरह खत्म करने की योजना है। जो लोग बहुत गंभीर लोग हैं गांव में, जो लोग बैठते हैं वो इस चीज को सब समझते हैं, समाज की अपनी आवश्यकताएं, अपनी आकांक्षाएं हैं, उनको ही रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा लीडरशिप को, ये बहुत बड़ी ताकत है। तो अगर सोनीपत और रोहतक के लोगों में ये सेंस आ गया तो कुछ भी हो सकता है जी, क्योंकि दोनों सीटों पर अच्छी जाटों की बहुत बड़ी संख्या है और अगर उसमें कोई बाहर का आदमी डेंट नहीं लगाता और भाजपा भी उतना नहीं लगा पाएगी तो ये जो इतना बड़ा चंक मिलेगा ना, अब रोहतक जैसे यहाँ देखिए करीब 6-6.5 लाख जाट समुदाय है और वोट करने का पैटर्न उनका कि वो घरों में नहीं बैठेंगे उस दिन जी, इस मिशन के साथ जब आएंगे तो वो वोट करने निकलेंगे। तो रोहतक और सोनीपत दोनों सीटें इस बार मैं मानकर चल रहा हूँ कि भाजपा के लिए चुनौतीपूर्ण है। और लेकिन भाजपा के लिए चुनौतीपूर्ण जो दो सीटें हैं, लोगों के बीच में चर्चाएं हैं कि एक तरफ तो बीजेपी के लिए मोदी की गारंटी, दूसरी तरफ उसने सारे प्रत्याशी उतार दिए जो पहले कांग्रेस के रहे हैं कि वो कुरुक्षेत्र से कांग्रेस के नरेंद्र को लेके आई है, यहाँ रणजीत चौटाला को ले आई, राव इंद्रजीत है, धर्मवीर है, ये सारे तो कांग्रेसी है, तो वो मोदी की गारंटी वो कहाँ है? लोगों के बीच में ये बड़ी चर्चा है। जहां तक मोदी की गारंटी का सवाल है, मोदी की गारंटी उनको ये लगती होगी शायद मेरी गारंटी को लोग मान रहे, लेकिन वो डाउटफुल हो गई, मोदी की गारंटी पर लोग भरोसा नहीं करते। इतनी सारी गारंटी आई है
और वो उसमें फेल हुए उनको पूरा नहीं कर पाए, तो कम से कम हरियाणा में तो मैं मानता हूँ हरियाणा का आदमी इतना जागरूक है कि इन गारंटी पे बहुत भरोसा नहीं कर रहा है। और मोदी की जो लोकप्रियता 2014 में थी या पुलवामा के कारण 2019 में, आज उसमें अच्छा खासा डिक्लाइन है जी। तो केवल मोदी के आधार पर वो चुनाव जीतने की योजना बना रहे तो पर्याप्त नहीं है। और अगर कुछ है भी तो यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट की एंटी इनकम्बेंसी है खट्टर साहब के नेतृत्व में आई है, वो उस पर और भी ज्यादा डेंट लगा रही है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी नो डाउट ताकतवर है, बाइपोलर इलेक्शन में उसकी अपनी एक अस्तित्व भी है, उसकी पहचान भी है, लेकिन आज की तारीख में मैं ये नहीं कह सकता या मैं भाजपा को उस प्रचार में नहीं बह सकता कि अब हमारी आंधी चल रही है और 400 पार करने का जो जुनून है वो हरियाणा में भी उतना बरकरार है और हम यहाँ 10 की 10 सीटें जीत लेंगे। ये सब माहौल बनाने के लिए चीजें होती हैं। मुझे हरियाणा के लोगों की समझ पर इतना भरोसा है कि वो स्थितियों को समझते हैं ठीक से, और सोनीपत हो चाहे रोहतक हो, दोनों जैसे मैंने कहा, मैं कई बार मजाक में कह देता था अपने जाट मित्रों से, मैंने ये तुम्हारे मक्का मदीना बिल्कुल है ना, तो वो बड़ा आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का दौर है, अस्मिता की राजनीति है। तो हर आदमी केवल जाट समुदाय की बात नहीं, हर समुदाय ये चाहता है कि उसकी भागीदारी हो सत्ता में, तो अगर वो इस तरह से सोच रहे हैं तो कोई बड़ी विचित्र बात नहीं है। और दूसरे 2016 के दंगों के बाद हरियाणा में जो सामाजिक सद्भाव में कमी आई है उसका उसको फिर से बनाने का नेतृत्व भी जाट समुदाय कर रहा है। जाट समुदाय ही ये कहता है कि छत्तीस बिरादरी का भाईचारा है, उसने आगे बढ़ के अपनी संख्या की दृष्टि से ज्यादा होने के जो दायित्व है उसको बढ़ा के आगे किया है और समाज के विभिन्न हिस्सों को जोड़ना चाह रहा है। उधर भाजपा की राजनीति सबके खिलाफ है। मैं तो ये देखता हूँ कि सोशल डायनेमिक्स जो है हरियाणा के बहुत रोचक फेज में है, चिंताजनक भी है। लेकिन यह समाज के विवेक पर सवाल उठते हैं कि अब ऐसी स्थिति जो क्रिएट कर दी है राजनीति ने, हमें अलग अलग खेमों में खड़ा कर दिया, उसमें से हमारा समाज कैसे बाहर निकल कर आता है। मैं केवल परिणाम के बारे में चिंतित नहीं हूँ कि क्या पॉलिटिकल परिणाम होंगे, हरियाणा के लोगों का विवेक इस समय दाव पे लगा हुआ है और बहुसंख्यक समाज किस तरीके से सारी चीजों से निबटता है कि सद्भाव भी खराब ना हो और उसकी राजनीतिक शक्ति की बहाली भी हो जाए, वो देखने वाली चीज है। एक सबसे बड़ा सवाल अभी ये हो रहा है कि जैसे जाट बिरादरी तो बीजेपी के खिलाफ रही है और पूरी किसान कौम भी हम कैसे, दलित समुदाय भी बड़ा एक डरा हुआ है, उसको ये डर हो रहा है जैसे कर्नाटक के एक बीजेपी के सांसद ने कहा कि हम 400 पार आ गए तो हम आरक्षण को खत्म कर देंगे और संविधान में संशोधन करेंगे, इस तरह का उनका एक बयान आया है। दलित समुदाय में डरा हुआ, वो भी मतलब जाटों से भी अग्रेसिव है बीजेपी के खिलाफ, एक्चुअल में उसका डर सही लगता है आप लोगों को? देखिये, ये जो डर फैलाया जा रहा था कि 400 पार आ जाएंगे तो संविधान भारत का नहीं बदलेगा, अभी एक जो लोकतंत्र का मानक निर्धारित होते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसकी एक रिपोर्ट आई है, तो उन्होंने कहा कि इंडिया को उन्होंने रखा है इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी के कैटेगरी में। इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है कि वहां चुनाव तो होते हैं लेकिन वर्चस्व एक ही पार्टी और एक ही व्यक्ति का होता है, मतलब एक तरह की वो तानाशाही है। ये चीजें कंटिन्यू कर सकती हैं अगर भाजपा 2024 में भी आती है तो इसमें थोड़ा सा एक कदम वो और आगे बढ़ जाएंगे। जैसे हम कहते हैं कि लोकतांत्रिक संस्थाओं का हनन हो रहा है, उनको उनके वजूद को मिटाया जा रहा है, हो सकता है वो कुछ ज्यादा हो जाए, लेकिन भारत के संविधान को बदल पाना मुश्किल नहीं है, आशंकाएं हैं लोगों में, मुश्किल है। हाँ, मुश्किल बहुत है। और वो इसलिए भी है कि आप देखिए छोटा सा एक बात हुई है छोटी सी इस अर्थ में कि भारत में उसको बहुत लोग गंभीरता से लेते हुए भी नहीं, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की मैं बात कर रहा हूँ, रिएक्शन कहाँ से आया? जर्मनी से। रिएक्शन कहाँ से आया? अमेरिका से। रिएक्शन कहाँ से आ रहा है? तीसरे यूएन से। तो एक जो वैश्विक चिंता बनी है भारत के लोकतंत्र को लेके, वो दबाव भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है कि हम उस दिशा में नहीं बढ़ेंगे, लेकिन अगर सत्ता में आ गए तो इस तरह की कोशिशें लोकतांत्रिक संस्थाओं कमजोर करने के जो प्रयास है उनके थोड़ा तेज हो जाए। लेकिन ये इतने देशों की प्रतिक्रिया के बावजूद आज फिर एक मंत्री को बुला लिया गया है ईडी ने, पूछताछ हुई है दिल्ली के जो कैलाश गहलोत साहब है, जो गृह मंत्री है उनका प्रबंध, उनको आज फिर पूछताछ के लिए बुलाया। देखिए, ये सारी चीजें तो होंगी, मुझे ये लगता है करमवीर जी, मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, मेरी ये समझ है कि जब पतन होता ना तो उसके भी कारण बनते हैं जी, कि आदमी कितना समझदार आदमी हो लेकिन जब उसके सिर्फ अहंकार हावी हो जाता है, एक तरह का उन्माद ही है, तो उसमें वो गलत फैसले लेता है। अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता इस घटना के बाद में लगातार बढ़ी है, जितना आप उत्पीड़न करोगे अपने विरोधियों का उतनी स्वीकार्यता बढ़ती है, क्योंकि भारत का आदमी ना, आपने देखा होगा गांव सारी जिंदगी आपने देखी है, वो अतिवादी नहीं है जी,
वो माफ करना चाहते हैं। बिल्कुल उसमें भावुक रिएक्शन तो होगी एक पल के लिए, बोले यहाँ भी होता है कि मैंने देखा एक जमाने में बिल्ला रंगा को आरोप में उसमें रेप के आरोपों को सजा दी गई थी जी। उस समय लोगों की इंस्टेंट रिएक्शन ये थी कि इनको फांसी दो। तो भारत का आदमी किसी भी अपराध के प्रति जब जब होता है उस समय वो एग्रेसिव होता है कि इसको मतलब वो कानून के बारे में नहीं सोचता कि इनको फांसी दे दो, इनको खंभे से लटका के गोली मार दो, इस तरह की रिएक्शन है। लेकिन उन्हीं बिला रंगा को जब 8-10 साल बाद जब सजा हुई बाकी तो वो कहने लगा छोड़ो ठीक है जेल में रख लेते हैं मारते नहीं। तो एक तात्कालिक रिएक्शन तो इनकी इस तरह की होती है, लेकिन धीरे धीरे जब ये अपने स्वाविवेक की ओर लौटते हैं तो फिर ये थोड़ा समझदार। तो ये अब जो दो बड़े मुद्दे हुए हैं इलेक्ट्रोल बॉन्ड का, जिस तरह से पोल खुली है पूरी, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और जिस तरह से भी दवाई कंपनियों के सैंपल फेल हुए थे उनसे चंदा लिया उनको फिर ओके कर दिया, और केजरीवाल की गिरफ्तारी, इसका कितना बड़ा असर देखते हैं खासकर हरियाणा में भी? देखिए हर जगह असर जाएगा इसका। निर्मला सीतारमन के पति जो खुद अर्थशास्त्री हैं जी, और उन्होंने ये कहा है कि अभी तो ये धीरे धीरे इसके प्रभाव पड़ेंगे इन चीजों के, अभी लोग समझ रहे हैं। आपने देखा होगा पहले दिन जब ये सारी चीजें आई थी ऐसी रिएक्शन नहीं थी, लेकिन अब जब इनके कनेक्शन आ रहे हैं कि टेलीकॉम एजेंसी को लाइसेंस दिया गया, दवाइयों के साथ में ऐसा हुआ, जो बीफ का एक्सपोर्ट करने वाले लोग हैं उनके साथ ऐसा हुआ, जैसे जैसे ये गुत्थियां सुलझेंगी चीजें आगे बढ़ेंगी, और क्विड प्रो को जो था उसका इसके एवज में हमने कह दिया, ये देखना धीरे धीरे जनता के दिमाग में चीजें घर करके चली जाएंगी। और ये जो छवि बनी थी कि वी आर ए पार्टी विद ए डिफरेंस, ना खाऊंगा ना खाऊंगा, इस पर तो सवालिया निशान उठने शुरू हो गए हैं। उनके कैडर के लोगों को छोड़ के कोई भी इस देश में ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि नरेंद्र मोदी ईमानदार है। हाँ एक चीज भारत का आदमी ये जरूर कहने लगा कि सब चोर है, तो जब वो सब चोर कहते हैं तो मोदी उससे मुक्त। बीजेपी ये कहती थी हम दूसरों से अलग हैं, लेकिन उसमें तो सारे कांग्रेसी वो बस कांग्रेस। हरियाणा में आपने देखा होगा 9.5 साल में ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, कोई बहुत लंबे चौड़े उन पर आरोप लगे भी नहीं इस तरह के, तो उनकी व्यक्तिगत ईमानदारी पर किसी को संदेह नहीं है, लेकिन वो एक भ्रष्ट सरकार का नेतृत्व करते रहे 10 साल, इस आरोप से तो मुक्त नहीं हो सकते। बिल्कुल, तो अगर आपके नेतृत्व में भ्रष्टाचार को संरक्षण मिल रहा है और दुनिया भर की चीजें हो रही है, आपके जो परीक्षा कराने वाले आयोग है उनके यहाँ से भी पैसा बर्बाद बरामद हो रहा है, तो आप किस आधार पर कह सकते हैं? तो भारतीय जनता पार्टी 10 साल में पूरी तरह इस मामले में एक्सपोज होगी, और अब उसे कोई नैतिक अधिकार ये कहने का है नहीं कि हम अलग किस्म की पार्टी। और एक मोदी साहब का एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि कुछ क्षेत्र में 2014 में कि कोयला चोर है, जिसने कोयले की चोरी नहीं छोड़ी वो आपको क्या छोड़ेगा, ये बड़ा वायरल हो रहा है। इन्होंने कोयला नहीं छोड़ा, अरे जिन्होंने कोयला नहीं छोड़ा है वो आपको छोड़ेंगे। कभी कोई कोयले की चोरी करता है, घर के बाहर कोयला पड़ा हो तभी कोई कोयले की चोरी करता है? कोई करता है? इन्होंने कोयला नहीं छोड़ा, अरे जिन्होंने कोयला नहीं छोड़ा है वो आपको छोड़ेंगे। कभी कोई कोयले की चोरी करता है, घर के बाहर कोयला पड़ा हो तभी कोई कोयले की चोरी करता है? कोई करता है? हरियाणा जो 5 प्रत्याशी है 6 प्रत्याशी वो ऐसी पृष्ठभूमि के जो कांग्रेस आ रहे हैं, अब अगर आप कांग्रेस को भ्रष्ट पार्टी मानते हो तो 70 साल से वो निकम्मेपन और भ्रष्टाचार के लिए जानी जाती है, और उन्हीं लोग चेहरे पर आप यहाँ लाते हो तो उससे आप एक्सपोज हो जाते हो। करमवीर जी भारतीय जनता पार्टी की विडंबना है कि उसके पास कार्यकर्ता तो बहुत है लेकिन चुनाव लड़ने वाले लोगों तक ऐसे लोग, चूंकि वो कभी सत्ता की पार्टी रही नहीं, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई नरेंद्र मोदी आएगा और वो 40 साल से जो लोग धूल में लिपटे पड़े जिन्हें कोई नहीं जानता और वो उसकी मदद से मुख्यमंत्री बन जाएंगे या और पदों पर चले जाएंगे, तो ये उसके साथ क्राइसिस है। भारतीय कांग्रेस में इसके उलट है, वहां नेता ज्यादा है, कार्यकर्ताओं में वो उत्साह नहीं है उस तरह की संख्या कम है, तो दोनों पार्टी अपने संक्रमण काल में एक अजीब अजीब स्थिति से गुजर रही है, और ये प्रोसेस हो सकता है 4-5 साल और चाहे, लेकिन इसके बाद जो भारत की राजनीति होगी उसके प्रति मैं बहुत आशावान हूँ कि वो एक बहुत अच्छा माहौल होगा, स्वच्छ माहौल। और ये हरियाणा में जैसे खट्टर साहब को बदला गया है, इसका क्या लगता है कि इफेक्ट पड़ेगा या बीजेपी को ये उल्टा पड़ जाएगा? अब लोगों को ये पता चल गया कि एंटी इनकमेंसी बहुत ज्यादा है, पहले इंटरनल रिपोर्ट सर्वे रिपोर्ट में ये आया होगा या बहुत ही ज्यादा गलत रिपोर्ट आएगी तभी बदला गया होगा, कहीं अब लोगों के लिए और महंगा साबित होगा ये बदलना। देखिए
ही गलत निर्णय है। जब मनोहर जी बने थे बार बार ये कोशिश हुई उनकी सरकार को डिस्टेबलाइज करने की, उन्हीं के नेतृत्व द्वारा। अमित शाह नहीं चाहते थे कंटिन्यू करें। 2016 के दंगों के बाद तो वो कतई मन बना चुके थे, लेकिन वो नरेंद्र मोदी की कृपा, उनकी मित्रता के सहारे चल रहे थे। अब जब जब के ये लिया मोदी जी ने निर्णय, तो दो ही चीजें हैं, या तो आप इसलिए हटा रहे हो कि बंदा प्रभावी नहीं है, निकम्मा है, या वो आपके विश्वास पे खरा नहीं उतर रहा। तो अपना उन्होंने मित्रता का लिहाज किया ना कुछ ये किया, जनता में साफ मैसेज गया है कि 9.5 साल से जो व्यक्ति आपकी लीडरशिप कर रहा है आप उसको ऐसे मौके बढ़ा रहे हो, तो इसके राजनीतिक संदेश साफ है। आप तो या तो ये मानते हो कि चीफ मिनिस्टर हमारा अलोकप्रिय है, इसकी कोई लोकप्रियता नहीं है, और इसके नेतृत्व में अगर चुनाव होंगे तो हमारा भट्ठा बैठ जाएगा, इसलिए हटाओ जी। या आप ये मानते हो कि ये बिल्कुल निकम्मा है, इसने कुछ काम ही नहीं किया है। लेकिन इस दौर में आके, इस बिंदु पे आके उनको हटाने का कोई सेंस, उसका लाभ मुझे नजर नहीं आ रहा। और इनके विकल्प के रूप में आप जिस व्यक्ति को लाए हो उसके पास व्यक्तित्व भी नहीं है, अपना बिल्कुल पर्सनैलिटी होनी चाहिए। और आज ही हम कहीं बात कर रहे थे तो विक्रम और बेताल की तरह से है, नायब सिंह सैनी विक्रम है और बेताल कटर साहब है ना, और चल रहा है। आज भी मैं कहीं उनका भाषण देख रहा था कि वो बार बार हर तीसरी लाइन में मनोहर लाल जी की नीतियों को, और मैंने आदेश दे दिए मनोहर लाल जी की नीतियों की लागू करें। लोग बहुत बारीकी से इन चीजों को देखते हैं, उनके व्यक्तिगत मनोहर लाल जी की नीति अच्छी होती है, उनको बदला ही नहीं जाता। गुरु शिष्य के रूप में उनके क्या रिश्ता है वो उनका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन हरियाणा का मुख्यमंत्री अगर एक निवर्तमान मुख्यमंत्री के प्रति इतना चरण लिट जाएगा, पूरी तरह बिछ जाएगा, तो ये लोगों का अपमान है जी। अच्छा, एक और अभी जैसे जो नया नया जो ताजा घटनाक्रम हुआ जी, उसके बाद 2-3 बदलाव और देखने को मिले हैं। दो तीन नेताओं को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया है, कैप्टन अभिनव को बिल्कुल कॉर्नर में लगा दिया है, कुलदीप बिश्नोई को स्टार प्रचारकों की सूची से बाहर किया, उनको लोकसभा भी नहीं दी, बेटे को मंत्री नहीं बना, राविंदर जीत को भी साइडलाइन किया है। और वो जैसे खट्टर साहब के बारे में पहले वो अपना मित्र बता रहे थे, राविंदर जीत को भी वो अपना दोस्त बता रहे थे, अगले ही दिन खट्टर साहब को पलटा और उनकी मनमर्जी के बगैर मंत्री बना दिया, आखिर में उनकी पूछताछ कम हुई है। इसको बदलाव को कैसे देख रहे हो आप? देखिए, शुरू में ऐसा लगा था कि जो हमें मुख्यमंत्री के रूप में मिले मनोहर लाल खट्टर जी बहुत संत प्रवृत्ति के हैं और इनका कोई पद में ऐसी लालसा है नहीं, लेकिन धीरे धीरे कुर्सी का आकर्षण इतना है कि वो ऊपर से नीचे तक उनका कण कण राजनीति में डूबा हुआ। उन्हें जब भी मौका मिला है उन्होंने अपने प्रतिद्वंदियों को हटाया, काटे निकाले हैं हर मौके पे, और उन्होंने ये दोघात भी किया है कि अपने कुछ अपने लोग हैं, कुछ उनके प्रतिद्वंदी थे या नहीं पर वो मान के चले, और उनका इलाज उन्होंने किया। लोकसभा टिकट के बंटवारे में भी ये हुआ है। कैप्टन अभिमन्यु की देखिए एक विशेषता रही है कि जब से हैं पार्टी में है, नंबर दो उन्होंने रोहतक जैसे क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की शक्ति बनाई, यहाँ इंडियन नेशनल लोकदल नंबर 2 की पावर होती थी, उसको 3 नंबर पर पहुंचाया। तो हम इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते कि भारतीय जनता पार्टी का जो आधार मिला वो कैप्टन अभिमन्यु की वजह से मिला, उसका फल किसने काटा? अरविंद शर्मा ने, तो मनीष ग्रोवर ने। अब उनका एक हक बनता था कि आप चलो रोहतक नहीं तो सहरसा को लड़ाइए, परिणाम छोड़िए वो क्या बात है, जनता में क्या संदेश जा रहा है कि जो आपका कार्यकर्ता विचार से आपके साथ है और जिसने अपनी जिंदगी का इतना अमूल्य समय दिया और पार्टी को कंट्रीब्यूट किया हर तरह, कभी पार्टी लाइन से उठ नहीं, अभी भी नहीं जा रहे जी। देखिए, कुलदीप बिश्नोई तो कुछ भी कर सकते हैं, पहले भी उन्होंने अपना समझौता किया था फिर भाग गए थे। चौधरी वीरेंद्र सिंह है, वो उन्होंने कहा कि मुझे 40 साल में इतना सम्मान कभी नहीं मिला जितना भाजपा में मिला, लेकिन उस सम्मान को उन्होंने तापरख दिया बिल्कुल अपने राजनीतिक हित में। तो कैप्टन अभिमन्यु का यह संभव है कि वो उस तरह की भाषा नहीं बोलेंगे, लेकिन उनके साथ इनजस्टिस तो हुआ है। और मेरा ये समझ है कि नेता बेशक अनुशासन भरे, उसके कार्यकर्ता, उसके जो सहानुभूति रखने वाले लोग हैं वो अपना गुस्सा जाहिर करेंगे, अपनी भावनाओं को व्यक्त करेंगे, और वो इसी रूप में होगी कि जो भी कैंडिडेट ऑफिशियल है भाजपा का उसको जितना नुकसान पहुंचा सकते हैं वो पहुंचाएंगे। लेकिन हो क्या रहा है करमवीर जी, बदलते वक्त के साथ में सब चीजें बदल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक काम ये करा कि स्थापित नेता उनसे शक्तियां छीन ली पूरी, चाहे वो वसुंधरा की छीनी हो, चाहे शिवराज की हो, रमन सिंह की हो, या यहाँ भी बहुत सारे नेता ऐसे जो शिकार हो रहे हैं, और वो जो कांग्रेस से आए हुए लोग हैं उनको भी उनके प्रभाव को शून्य कर देते हैं जी। पहले प्रयोग करते हैं फिर उसको धीरे धीरे खत्म करके साइड में बिठा देते हैं बिल्कुल। अभी भी एक मैं कहीं पढ़ रहा था
कि 60% सीटें राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के लोगों को दी है। 60% सीटें तो 50 से ज्यादा होगी। जी हाँ। और उसमें ये आशंका व्यक्त की जा रही कि अगर कोई आंकड़ा 200-225 तक रह गया भाजपा का, तो ये जो कांग्रेसी मूल के लोग हैं ये कुछ बदमाशी कर सकते हैं, ये कोई नई पार्टी खड़ी थी इसकी, ये चर्चा हो रही है मीडिया में। जी जी। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। तो कई बार क्या होता है कि हमें ये लगता है कि हम तो बस छलांगे मार रहे हैं, बहुत तेज दौड़ रहे हैं, इस चक्र में हम ये भूल जाते हैं कि पीछे जो हम छोड़ गए हैं वो स्थिति हमारे प्रतिकूल है और हम गिर भी सकते हैं, गिरने में भी जा सकते हैं। कुलदीप बिश्नोई कितना नुकसान सहते, क्या पोजिशन रहेगी कुलदीप? कुलदीप बिश्नोई का एक आधार तो हिसार संसदीय क्षेत्र में है और आदमपुर में भी है, और उनको टिकट ना मिलने से लोग, दरअसल कुलदीप का उतना महत्व नहीं है जितना चौधरी भजनलाल का है। जी। जो भी सहानुभूति कुलदीप को मिलती है चौधरी भजनलाल की वजह से मिलती है। लोग ये याद करने लगते हैं यार बाप भला आदमी था, ठीक आदमी था, ये जैसा भी है ठीक है ना, तो नुकसान तो पहुंचेगा। जी। अब कितने प्रतिशत होगा क्या होगा ये कहना मुश्किल है, ये डैमेज तो कर, धनखड़ को दिल्ली भेज दिया, कैप्टन अभिमन्यु को आसाम भेज दिया, कुलदीप ने को घर बिठा दिया। अब ये तो चुके संगठन के लोग हैं, धनखड़ जी भी मोदी जी के मित्र रहे हैं। बिल्कुल। मित्र शब्द जितना मनोहर जी के लिए और के लिए भी हुआ, तो उनको राष्ट्रीय सचिव बना के अपने इधर उधर कर दिया। अभिमन्यु जी आसाम में क्या करेंगे? हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे आदमी के साथ मिलकर उन्होंने अपनी ये करनी है सारी स्थिति, लेकिन चूंकि अनुशासित कार्यकर्ता वो बताते हैं अपने आप को, तो लौट फिर के आ जाएंगे। कुमारी सेलजा को लेकर सियासी गलियारों में बड़ी चर्चाएं हैं। जी। कभी वो ये लग रहा है कि उन्होंने अम्बाला के लिए आकर दी है, कभी कह रहे हैं सिरसा के लिए आकर दी, उनके लिए क्या सुटेबल लगता है? सिरसा उनके दलवीर सिंह जी वहां उनके पिताजी 4 बार एमपी रहे और बड़ा दबदबा उनका उस इलाके में रहता है, बड़ा रसूख था, क्यों इतनी सेफ सीट ढूंढ रही है कुमारी सेलजा अम्बाला की तरफ क्यों जा रही है? आत्मविश्वास की कमी है, लेकिन ये सूचना है कि सेलजा को सिरसा से ही लड़ाया जाएगा। जी। और अशोक तंवर इस बात को लेकर बहुत आशंकित है, परेशान है बिल्कुल कि वो वहां ना आए, क्योंकि शैलजा का अपना एक आधार है। बिल्कुल। और अगर शैलजा वहां आ रही हैं तो तंवर साहब की संभावनाओं को वो ले लेंगी पूरी तरीके से। बिल्कुल। उनकी जीत सिरसा से तो बहुत ही ज्यादा पक्का है। बस यही है, एक तो आत्मविश्वास की कमी है शैलजा में, दूसरे उन्हें ये लगता है कि हुड्डा साहब के जो लोग वहां सक्रिय हैं उस क्षेत्र में वो कहीं अंदर अंदर उन्हें ना काट, चूंकि हरियाणा की राजनीति की विडंबना है कि लेकिन बड़े नेता आपस में मिलके कर लेते हैं। लेकिन वहां सिरसा में हमारे कुछ लोगों से बातचीत हुई, उन्होंने ये कहा है कि हुड्डा के लोग भी तंवर से परेशान है। हाँ। वो जो पहले कांग्रेस में थे वो तंवर से परेशान है, इसलिए वो सैलजा के साथ तो चले जाएंगे, तंवर के साथ वो भी नहीं जाएंगे। तो इसीलिए सैलजा की स्थिति मजबूत है ना। जी। अभी जो डेंजर जोन में 5 सीटें आ रही है वो यही है, उसमें हिसार है, सिरसा है, और कौन सा था, रोहतक है, रोहतक है, सोनीपत है। भिवानी में क्या देख रहे? भिवानी में मुझे धर्मवीर सिंह बहुत ज्यादा कमजोर नजर नहीं आ रहे। जी। और फरीदाबाद में? फरीदाबाद में अगर कांग्रेस कोई अच्छा प्रभावी गुजर कैंडिडेट ले आई, जैसे है विजय प्रताप सिंह के आने की संभावना महेंद्र प्रताप के बेटे की, तो बहुत अच्छी टक्कर देगा। जी। तो रविंद्रजीत को क्या कैसा लग रहा है? राव इंद्रजीत अपनी सीट शायद निकाल लें, लेकिन यहाँ जैसे पिछली बार कैप्टन अजय यादव को 90,000 मुसलमानों में वोट मिल गए थे नू इलाके से, इस बार वो लीड बढ़ेगी नहीं संकुच नू इलाके से भी, यदि वहां कोई मजबूत कैंडिडेट आ जाए, राव आ जाए कोई, तो मुकाबला नहीं हो सकता वहां पर? राजबब्बर को आ सकता है तो क्या रहता है? बिल्कुल मुकाबला होगा। राजबब्बर को लाने का तो केवल मतलब ये है कि गुड़गांव अपने आप में महानगर है, वहां पर शहरी लोग हैं, उनकी एक पहचान है, लेकिन वो कोई समझदारी वाला कदम नहीं होगा। जी। क्योंकि हरियाणा का मिजाज उस तरीके का है नहीं कि इस तरीके से सेलिब्रिटी को निकाल दो करके, तो वहां यही रहेगा कि कोई बहुत मजबूत यादव कैंडिडेट ही वहां से लाया जाए। जी। और किसे लाती है कांग्रेस ये देखने वाली बात है, लेकिन आज कांग्रेस के पास पर्याप्त समय है। जी। कि बीजेपी कैंडिडेट डिक्लेयर हो चुके हैं और वो अब अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं। अगर कांग्रेस के सभी गुट थोड़ा सा संयम बरते हैं, अपनी अपनी इच्छाओं पर अंकुश लगाएं और ईमानदारी से अगर लगेंगे, तो मेरे समझ ये है कि 5-5 वाली जो बात है वो हो सकती है। रोहतक में आप रहते हैं, रोहतक का मिजान इस बार कैसा देख रहे हैं? रोहतक का ये है कि 2019 में दीपेंद्र सिंह हुड्डा जब हारे मात्र 7,000 वोटों से, और वो मैं समझता हूँ कि लोग तो कहते हैं कि कोसली की वजह से या रोहतक शहर से समर्थन ना मिलने की वजह से, लेकिन 7,000 तो मार्जिन नहीं होता, बिल्कुल लंबा छोड़ा मार्जिन नहीं है, इसे मैनेज किया जा सकता था। ये तो प्रबंध की दृष्टि से अति आत्मविश्वास ही कारण बने
हो सकता है दीपेंद्र हुड्डा 2-4-5 हजार वोटों से लीड कम मिली थी। हाँ, लेकिन वो उसकी वजह सिर्फ ये रही है, एक तो इनका ओवर कॉन्फिडेंस होना, मैनेजरियल प्रॉब्लम थी सारी, और कोई भाजपा के पास ऐसा मजबूत कैंडिडेट नहीं था। अरविंद शर्मा तो जमानत जब्त करा गए यहाँ पे, बिल्कुल, जब इंडिपेंडेंट डे 25,000 वोट मिला था, तो उनका इससे तो साफ उनका अपना तो कुछ है नहीं, और ना ही बेशक उन्होंने झज्जर जिले में जन्म लिया कि रोहतक या पूरे इस बेल्ट के लोग उनको अपना आदमी मानते, वैसे भी नहीं, चूंकि उनकी राजनीति हमेशा सोनीपत की, करनाल की, दिल्ली में वो रहते हैं। और पिछले 5 वर्षों में काम हम तो खैर क्या होने थे, कोई लंबी छोटी बात नहीं है, उन्होंने जो टसल ली है पर्स मनीष ग्रोवर की, और जो आरोप लगाए हैं उस पर 350 करोड़ तरह तरह के, और ये सार्वजनिक रूप से कहा कि मेरे से तो ऐसी भूल होगी जिंदगी में, कभी शायद मैं सुधार भी ना हो, कि पहले मैंने इस मूर्ख के लिए, ग्रोवर के लिए मैंने अपील की। लोग याद रखते हैं, और आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर वो वीडियो से वायरल हो गई है, हम तो भूल गए थे छिपाने में, ये चीजें सबूत मिटाने में और सबूत खाने में ये सरकार एक्सपर्ट है। आज तक की हरियाणा की सबसे ऐसी सरकार है जो सबूत मिटाने में और सबूत खाने की एक्सपर्ट सरकार है। कल न कुछ भी हो जाए, लेकिन आज की बात कर रहा हूं, लेकिन ये मीन ये रोहतक समझ गए मनीष और मुख्यमंत्री, इनको नहीं पच रहा कि भाई ये जो है, अच्छा मनीष तो कभी दिमाग में रहता है रोहतक से कोई भी ना जीते, वो भी ना जीता, वो भी इसके दिमाग में नहीं रहता वो मैं जीत जाऊं। भाई वो दोनों उससे पूछा, ये क्या नाम है शमशेर खरकड़ा, उससे पूछ लियो, शमशेर खरकड़ा से पूछा अपने तावड़े जी ने, भाई शमशेर जी रोहतक में क्या रहेगा आगे असेंबली में, बोले जी दांस नहीं, बोले क्यों, बोले मनीष जब तक रहेगा जब तक वाणा ना देखा है ना भी, समझे। तो ये चीजें ओपनली हैं, मतलब अगला रामतार से पूछ लो, रामतार वाल्मीकि से पूछ लो कि भाई क्या हुआ था, शमशेर से पूछ लो, तो ये सारी चीजें इसने मतलब बिल्कुल, ये भाई किसी का भी सिस्टम नहीं है, ना ये बरादरी का, ना ये व्यापारियों का, ना छोटे ना बड़े ना, ये तो भाई सिर्फ और सिर्फ, दूसरी चीज और है, अब ने बोला है ना भाई सबूत, सबूत अब प्रधानमंत्री जी ने, मैं कह सकते प्रधान जी ने मैं लिखूंगा, सबूत मिटाने में और सबूत खाने में असर डालेंगे। और यहाँ जो कुछ भी 5 साल में रहा है, मनीष ग्रोवर हालांकि विधायक भी नहीं थे, लेकिन एक उनका भी एक अलग रुतबा था, सिक्का उन्हीं का चला है। तो अरविंद शर्मा पता नहीं उनकी चाह थी कि नहीं रोहतक को आगे बढ़ाने की, लेकिन कुछ धरातल पर तो ठोस रूप से करने का था। अब जब तुलना करते हैं दीपेंद्र हुड्डा से, हालांकि दीपेंद्र वाले में भी फैक्ट्री है, दीपेंद्र तब काम करा पाए जब उनके फादर चीफ मिनिस्टर, अगर वो नहीं होते तो शायद उतनी बुरी ऐसी स्थिति नहीं होती है। और 2014 से 19 के बीच में जब थे वो भी क्या कर पाए, बिल्कुल। तो जब सत्ता का संरक्षण मिल जाता है, चीफ मिनिस्टर घर का है, तो आप बहुत सारे काम कर सकते हो। इस सब के बावजूद भी अरविंद शर्मा के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, विशेषकर मनीष ग्रोवर के कार्यकर्ता शहर में कितना काम करेंगे, मुझे इसको लेकर डाउट है। सबसे सस्ती सीट ओपन गई है कुरुक्षेत्र की, जी वहां एक महाभारत का जो युद्ध होने जा रहा है, नवीन जिंदल भी आ गए हैं, अभय चौटाला आ गए हैं, सुशील गुप्ता भी वहां से आ गए हैं, वहां क्या देख रहे हैं अभय चौटाला का वहां पर जाना? देखिए अभय चौटाला खुद कुरुक्षेत्र की सीट निकाल लेंगे, इसमें तो संदेह है जी। अब सुशील गुप्ता भी उसी समुदाय से आते हैं, नवीन जिंदल भी, और इस रेस में मुझे नवीन जिंदल थोड़ा आगे नजर आते हैं जी। तो पार्टी का उनका समर्थन है, और फिर आर्थिक संसाधनों के मालिक हैं, और वो लड़ाई बहुत इफेक्टिवली लड़ेंगे जी। और उस बेल्ट में चूंकि नायब सिंह सैनी का जो ओबीसी वोट बैंक है, जिस दृष्टि से बनाया गया है, उसकी उनको बड़ी मदद मिलेगी जी। और वैसे समाज की अरविंद केजरीवाल के प्रति तो सहानुभूति है, लेकिन सुशील गुप्ता को उसी अनुपात में मिलेगी, ये कहना मुश्किल है। सुशील गुप्ता भी बिल्कुल बाहरी आदमी है, बिल्कुल, पर एक जिंदल परिवार से एक इमोशनल अटैचमेंट कुरुक्षेत्र के लोगों का है, पहले से जिंदल साहब भी वहां से, उनको इस चीज का एक एज मिल रहा है जी, मिलता है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो यानी कि 5-5 पे अभी आप लोकसभा में देख रहे हो, चूंकि क्लोज कंटेस्ट है, बाइपोलर इलेक्शन है, तो हम और कुछ कह भी नहीं सकते, बिल्कुल। भाजपा का जो छवि बनी थी वो उनके सेल्फ क्रिएटेड, उनका प्रचार तंत्र ऐसा, उनके लोग जब भी हमसे पूछते थे, बोले क्या रहेगा 9-1 या 8-2, यानी वो हमारे पास गुंजाइश ही नहीं छोड़ते थे ये बताने की,
मैंने 8-9 क्या बोला, 8 हमारी, 9 हमारी या उनकी, 1-2 जी। ये सवाल आप जब किसी से पूछोगे तो वो आदमी कंफ्यूज हो जाएगा, वो सोचेगा नहीं तो 8-9 तो इन्हीं के आने वाली। लेकिन जो थोड़ा विवेक से थोड़ा धरातल पे चीजों को दृष्टिगत सोचेंगे तो उनको लगेगा स्थिति ऐसी नहीं है। भाजपा प्रचार प्रोपेगेंडे में मास्टर है जी। वो जब चल जाता है तो पार्टी भी चल जाती है, और अगर उसका उसकी सार्थकता या उसका मायने ठीक से समझ लिए लोगों ने तो फिर बैठा बैठ जाता है। आप 75 पार करके 40 बैठ गए थे। हाँ, तो आपने 5 सीटें गिनाई, सिरसा, हिसार, रोहतक, सोनीपत जी, और पांचवी कौन सी सर? पांचवी में भी भूल जाता हूँ, भिवानी। भिवानी मान सकते हैं, भिवानी मान सकते हैं। ये 5 सीटें हैं जहाँ पे कांग्रेस भाजपा डेंजर जोन में है। आपका पूरा राजस्थान के पूरा स्टाव इलाका है, सिरसा से लेकर हिसार, फिर दो आगे रोहतक, सोनीपत और भिवानी जी। तो अम्बाला सीट को सेफ मान रहे हैं फिर बीजेपी के लिए? अम्बाला बीजेपी को सेफ मान रहे जी। क्या कारण बंतों कटारे के प्रति सहानुभूति या मुख्यमंत्री का उस इलाके से होना? कोई ऐसी चीज नहीं है, लेकिन आप देखेंगे ना अम्बाला जिला का एक अपना अलग ही स्वभाव है जी, खास किस्म का। हरियाणा की राजनीति जिस तरह से सेट रही है, वो जो नॉर्थ की बेल्ट है आपकी उत्तर वाली, उसमें एक भाजपा का प्रभाव रहा है। वहां तो कांग्रेस से पीएमएल जीत रहे, वरुण चौधरी से लेकर रेणुबाला से लेकर। दिक्कत क्या है कांग्रेस के साथ कि जब कांग्रेस जब चीफ मिनिस्टर दे देती है ना तो वो पार्टी का बेस को धीरे धीरे खत्म होने लगता है, वो इर्द गिर्द मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द हो जाएगा। हुड्डा साहब ने 10 साल में कांग्रेस को रोहतक कांग्रेस बना कर दिया जी। ये दुष्प्रचार नहीं है, उनकी भी मजबूरी थी। उनसे पहले जितने चीफ मिनिस्टर में आप देखे कि किसी ने सिरसा का हुआ, हिसार का, उसका डेवलपमेंट कर रहे भिवानी से चौधरी बंसीलाल, पर मुख्यमंत्री अपने एक क्षेत्र विशेष से जुड़ जाता। मनोहर लाल नहीं जुड़े किसी से, इसीलिए इनको कोई लीडर नहीं मानता, कोई मास वैसे ही नहीं। हुड्डा साहब जब चीफ मिनिस्टर बने थे उससे पहले उनका ही आधार था बिल्कुल, लेकिन धीरे धीरे उन शासन के 10 साल में हुड्डा लीडर भी बन गए जी। लीडर मुख्यमंत्री बनने के बाद लीडर बनने का प्रोसेस हुआ जो 10 साल में कंप्लीट हो गया। तो ये चीजें हर उनके साथ कोई नया मॉडल था नहीं, और इतने बड़े कोई वो मायावी व्यक्तित्व नहीं थे कि एक नई तरह की राजनीति करके बिल्कुल उसमें कामयाब हो जाते। तो कांग्रेस के साथ दिक्कत है। आज भी अगर कोई कांग्रेस से जुड़ना चाहे तो उसको ये सोचे, उसके सामने प्रश्न है कि मैं हुड्डा खेमे में जाऊं या शहर के गुट में जाऊं। भाजपा के सामने ये दिक्कत नहीं है जी। भाजपा में तो आपने जाना तो जाना है, तो कांग्रेस की अपनी कमजोरियां रही है क्योंकि सत्ता में इतना लंबा टाइम हो रहा है, तो उस तरह की दिक्कतें हैं। और मैं तो पहली बार ऐसा इलेक्शन देख रहा हूँ जहाँ लोकसभा में जा रहे हैं और आपके पास जिलाध्यक्ष नहीं है, जिलाध्यक्ष नहीं है। तो ये विफलता भी तो कांग्रेस के नेतृत्व की है, पिछली बार भी नहीं थे। हुड्डा साहब इसके लिए जिम्मेवार हैं। यस, पिछली बार नहीं थे तो इस बार तो मना लेते हैं, तो मना लेते हैं है ना। तो मतलब लोग ये सवाल कर सकते हैं और वो करेंगे विपक्षी भी बिल्कुल, कि आप अपने जिलाध्यक्ष तो बना नहीं सकते। तो खट्टर साहब इलेक्शन सेफ है? मुख्यमंत्री है बहुत बड़ा मामला है, अगर कांग्रेस थोड़ा सा समझदारी से काम ले और करे तो खतरा पैदा भी कर सकती है, पसीना निकल जाएगा। लेकिन इतना मजबूत आ जाएगा, पसीना तो निकाल सकता है कोई। बिल्कुल, खट्टर साहब की राजनीति को बड़ी मजेदार है अभी तो, बड़े मुझे नायब सिंह को समझाने में 2 दिन लगे यानी 2 दिन से नायब सिंह को समझा रहे थे, लेकिन अनिल विज को ही नहीं पता था कि जो मीटिंग हमारी हो रही है उसमें क्या होने जा रहा है। तो ये सब समझते हैं, कार्यकर्ता भी जानते हैं कि भाई खट्टर साहब जो है ना वो राजनीति के बड़े खिलाड़ी हो गए, और उन्होंने जो बयान दिया है करमवीर जी कि जब उनसे कहा गया कि आप नाम प्रपोज करो तो उन्होंने कहा मैं ये पाप नहीं कर सकता जी, यानी उसे पाप की संज्ञा दी। तो लोग बहुत आराम से देख रहे हैं सारी चीजों को, और आजकल कोई किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है, दिल से तो दुखी है अंग्रेज बहुत ज्यादा दुखी है, और उनका दुख जायज है। 6 बार के MLA हैं, और अभी वो ये भी कह रहे थे 2014 में सरकार आई उसमें सबसे बड़ा योगदान भी मेरा है, उनका सबसे बड़ा योगदान मेरा है। तो उसका जो पूरा हरियाणा में एक उसका समर्थन वोट बैंक है, उसका फैन क्लब है, लोग उसके फैन। हाँ, उसका खामियाजा भी कुछ भुगतना पड़ सकता है क्या बीजेपी को? स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग के उनके दीवाने हैं। हाँ, गब्बर सिंह के रूप में जिस तरह वो चर्चित रहे हैं बहुत ज्यादा, बाकी हरियाणा में तो इतना प्रभाव नहीं होगा लेकिन लोकल स्तर पर तो हो जाएगा, अम्बाला में हो जाएगा। लेकिन अगला जो विधानसभा चुनाव है, जिस तरह से पिछली बार 17 सवाल ने टक्कर दी थी उनको, क्या लगता है कि इस बार उससे और ज्यादा कड़ी फाइट रहने वाली? विधानसभा चुनाव में हमें ये देखना पड़ेगा कि लोकसभा चुनाव के बाद खट्टर साहब
क्या नारा देते हैं 75 बार का या 45 बार का या 80 बार का या 80 बार का लेकिन विधानसभा चुनाव भी असल में इनके लिए बड़ी चुनौती होंगे जी। और अगर ये इस तरह के परिणाम आ गए 5-5 वाले तो आप ये तय मानिए कि न नायब सिंह मुख्यमंत्री होंगे और न खट्टर साहब होंगे, कोई और ही चेहरा होगा, बदलाव किसी और पार्टी का। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद त्यागी जी। और त्यागी जी थे हरियाणा की राजनीति को बड़ी बारीकी से समझते हैं और हरियाणा की सियासत पर पॉलिटिक्स ऑफ चौधर बड़ी बहुत ही अच्छी किताब है। आप उस किताब को पढ़ेंगे तो आपको हरियाणा की पूरी राजनीति की समझ में आ जाएगी। और मैं आपका दोस्त करमपाल, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, धन्यवाद सर जी।